स्वागत है आपका गुरुजी की रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं आंवला की चटपटी खट्टी मीठी चटनी, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। जैसे कि आप भी जानते हैं कि बच्चे आंवला खाना पसंद नहीं करते हैं, तो हम इसे इतना अच्छा बनाएंगे कि बच्चे इसे खा ही लेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चाहिए हमको गरम पानी, और उसके ऊपर आपको ये छन्नी रख लेंगे जिसमें कि आपको आंवला रखना है और उसको स्टीम दे के इसको गलाना है आपने। और उसके बाद में हम इसको कद्दूकस करेंगे। अब हम इसको कवर करेंगे और स्टीम होने देंगे। जब ये गल जाएंगे उसके बाद हम अपनी इस रेसिपी स्टार्ट करेंगे आगे के लिए। अब चेक करते हैं कि हमारे आंवले गल गए हैं या नहीं गले हैं। अब आप ऐसे नाइफ लगा के देखेंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इनको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम इनको कद्दूकस करेंगे। जैसे कि अब हमारे आंवले ठंडे हो चुके हैं, अब हम इनको कद्दूकस करेंगे। अब हम इनको कद्दूकस करेंगे और इनकी जो गुठली है उनको हम, जो आपको ये दिख रही है, इसको हम अलग कर लेंगे। अब जैसे हमने बॉइल आंवला को कद्दूकस करके अलग कर लिया और बीज को हमने अलग कर लिया है, और इसके बाद हम अब इसको कढ़ाई में डालेंगे और साथ में डालेंगे थोड़ा सा गुड़। जितना आंवला है उतना ही आपने गुड़ लेना है। जितनी क्वांटिटी हमने आंवले की ली है उतनी ही क्वांटिटी हमें गुड़ की लेनी है। और अब हम इसको कढ़ाई में डालेंगे दोनों को, और उसके बाद हम इसको चलाएंगे। जैसे कि अब हमने इसमें देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था, लेकिन आंवले ने अपना रस छोड़ दिया है और अब ये इस स्टेज पे आ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें हम क्या कौन कौन से मसाले डालने वाले हैं। अब इसमें हम डालेंगे काला नमक, नॉर्मल आपका जो नमक होता है जो डेली यूज़ में आता है, लेकिन हम आयोडीन नमक नहीं खाते हैं, हम सेंधा नमक डालते हैं, तो ये आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ा सा आपका जीरा पाउडर है और आपका गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी और कुटी हुई काली मिर्च, और थोड़ा सा आपका लेमन जूस भी डालेंगे जिससे आपका आंवला ऑलरेडी खट्टा होता है लेकिन इसमें आपका खट्टा मीठा स्वाद आ जाएगा उसके लिए। अब हम डालेंगे इसमें सारे मसाले एक एक करके। मिर्ची जो है मैं इसमें कम डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे जो है थोड़ा तीखा कम खाते हैं। अगर आपके बच्चे तीखा खाते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा तीखा और डाल सकते हैं। ये काला नमक डाल दिया हमने, अब ये कुटी हुई काली मिर्च डाल रहे हैं और ये नॉर्मल आपका जो सॉल्ट डलता है। और आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपने इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, आपको इसको थोड़ा सा लास्ट में जो है हल्का सा इसमें गीलापन रहने देना है, बिल्कुल ड्राई नहीं करना है इसमें, तो आपको उसका थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आएगा। और इसको आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ, ब्रेड के साथ। अब ये देखिए, अब ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है। और अब आप इसकी स्मेल देखेंगे तो, अब इसकी आप देखेंगे तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है, बस 1 से 2 मिनट में अब हम इसको सर्व करेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा आपका लेमन और इसको थोड़ा सा और हिलाएंगे। बस अब ये हमारा रेडी है। अब ये हमारा रेडी हो चुका है आंवले की चटनी। अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसी बनी है, और प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। बहुत यमी बनी है। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मैं आपके लिए आगे और भी रेसिपीज़ लेके आऊँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।